क्रिस्टा रॉड्रिगेज ने कैंसर के मर्ज में मुबतला होने के बाद एक तहरीर लिखी। ये तहरीर आपको सोचने पर मजबूर और हैरान कर देगी और बहुत सारे राज खोल देगी आपके सामने। मैंने भी जब इस तहरीर को पढ़ा तो मैं भी हैरान रह गया। क्रिस्टा रॉड्रिगेज ने लिखा कि मेरे गैराज के अंदर दुनिया की सबसे महंगी तरीन और ब्रांडेड कार मौजूद है, लेकिन मैं उस पर सफर नहीं कर सकती क्योंकि अब मैं व्हील चेयर के ऊपर हूँ। फिर वो आगे कहती हैं कि मेरा घर शायद दुनिया के कीमती तरीन घरों में आता है जिसके अंदर डिजाइन, कपड़े, जूते, हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन अब मैं हॉस्पिटल के फराहम करदा सूट के अंदर हूँ। फिर वो कहती हैं कि मेरे बैंक के अंदर अच्छी खासी रकम भी मौजूद है, लेकिन अब उस रकम से मुझे कोई खास फायदा नहीं हो रहा। फिर वो कहती हैं कि मेरा घर एक महल की तरह है, लेकिन मैं हॉस्पिटल के अंदर डबल साइज के बेड के ऊपर पड़ी रहती हूँ। और फिर वो कहती हैं आगे कि मैं एक 5-स्टार होटल से दूसरे 5-स्टार होटल में जा सकती हूँ, लेकिन अब मैं हॉस्पिटल में एक लैब से दूसरे लैब में सफर करती रहती हूँ। मैंने सैकड़ों लोगों को ऑटोग्राफ दिया है, लेकिन आज डॉक्टर का एक नोट मेरा ऑटोग्राफ बन के रह गया है। फिर वो कहती हैं कि मेरे बालों को सजाने के लिए मेरे पास 7 से 8 ब्यूटिशियंस मौजूद थीं, लेकिन आज मेरे सर पे एक भी बाल मौजूद नहीं है। अपने पर्सनल जेट के अंदर मैं जहां चाहूं वहां सफर कर सकती हूं, लेकिन अब हॉस्पिटल से उसके कॉरिडोर जाने तक मुझे 2 अफराद की मदद लेनी पड़ती है। और फिर वो कहती हैं कि मैं दुनिया की हर वो चीज़ खरीद सकती हूँ, खा सकती हूँ, लेकिन अब अस्पताल के अंदर मेरी खुराक सिर्फ 2 गोलियां और 1 नमकीन पानी से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये घर, ये फर्नीचर, ये पैसा, ये दौलत, ये गाड़ियाँ, ये ब्रांड्स, ये सूट, ये डिज़ाइन और शोहरत, इनमें से कोई भी मेरे काम ना आ सका। इसीलिए बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में राहत और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरना ही असल ज़िंदगी है। और बेशक आपकी ज़िंदगी में जितनी मर्जी आसाइशें और जितना मर्जी कुछ आ जाए, लेकिन अगर वो आपके नसीब में नहीं है, अल्लाह ने आपके नसीब में नहीं लिखा, वो आपको नहीं मिल सकता, आपका होकर भी आपको नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमेशा दुआ अपनी सेहत की किया करें, हमेशा दुआ अपने नसीब की किया करें कि जो चीज़ें आपको मिली हैं, जो खुशियां आपको मिली हैं, अल्लाह ताला वो आपको नसीब भी करे, आपको वो खुशियां मनाना नसीब भी करे। आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में सबसे बड़ी दुआ यही दी जाती थी कि अगर हमें खुशी कोई भी मिलती थी तो हमें कहा जाता था कि अल्लाह ताला ये खुशी तुम्हारे नसीब में करे। आज मैं ये तहरीर पढ़कर समझा हूँ कि खुशियाँ तो हमारी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन हमारे नसीब में नहीं होती। इसीलिए हमें क्यों ये दुआ मांगनी चाहिए? बेशक सुकून सिर्फ अल्लाह की ज़ात में है और मौत के अलावा कोई हकीकत नहीं है।